एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद मैं आज आप लोगों के साथ में व्लॉग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। मतलब काफ़ी दिनों से मैं बस रेसिपी या फिर मैंने एक ब्लॉग डाला था बर्थडे का, लेकिन इस तरह से अपना डेली रूटीन का जो मेरा ब्लॉग होता वो मैंने नहीं डाला था, बहुत दिनों बाद डाला है। क्योंकि ना मेरे बेटी का तबीयत ठीक नहीं था ना, तो इस वजह से मेरे वीडियो तो बना हुआ था ये, लेकिन मैं एडिट वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। इस समय जब देख रहे हो ना इसको, इसका तबीयत उस समय ज़्यादा ख़राब नहीं था, बस शुरू हो रहा था। बाद में तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना कि मैं फिर इसको एडिटिंग वगैरह कर ही नहीं पाई। छोटे मोटे जो वीडियो होते थे उसे मैं डाल दिया करती थी, इसे मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। अब वो ठीक है तो मैंने किया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में ना केले के फूल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो केला का फूल है इसे मैं पहले साफ़ कर ले रही हूँ। आपने देखा ना मैंने कहा साफ़ किया, ये बनाने में ना जो मुझे बहुत मेहनत लगता है इसकी सब्जी को या फिर इसकी कोई भी रेसिपी को, पहले साफ़ करो उसके बाद ये बहुत ही हाँ खाने में बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन बहुत समय जाता है इसमें। और ये जो क्लिप है ना ये रात का है, ये रात का समय है। मैं इसको जैसे केला का फूल का जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना, तो रात में ही उसे मैं अच्छे से साफ़ उफ करके उसे कटिंग करके मैं रख देती हूँ। इसे बहुत टाइम लगता है ना, एक एक फूल साफ़ करना होता है, इसलिए मैं इसे रात में ही करके रख देती हूँ। सुबह मुझे मतलब आसानी होगी करने में, और सुबह करने बैठो ना 2 घंटा तक फिर साफ़ करने में ही चला जाएगा, तो इसीलिए मैं इसे रात में ही सब करके रख ले रही थी। और इस समय ना मेरी छोटी वाली बेटी बोली मैं भी करूँगी, थोड़ा देर की फिर वो भाग गई, उसे नहीं हुआ। ये मैं बहुत दिन पहले डालना चाह रही थी इस वीडियो को, लेकिन मैं डाल ही नहीं पा रही थी, बताया ना बस कोई प्रॉब्लम था, बेटी तबीयत ठीक नहीं था, मैं एडिट कर ही नहीं पा रही थी, फिर बच्चों का एग्जाम भी चल रहा था। ये देखिए यहाँ पे मैंने ना इसे अच्छे से बारीक बारीक करके पूरा काट दिया। ये बीच वाला जो होता है ना, ये पोर्शन जब हम सब्जी बनाते हैं, मैं सब्जी नहीं बना रही उसके, मैं इसका रिकॉर्ड शेयर करूँगी आपके साथ में। जब सब्जी बनाती हूँ ना तो इसे बीच वाला है ना, इसे बिल्कुल मतलब उसी तरह से मछली बनाते हैं ना फ्राई करके, इसी तरह से मैं 4 पीस कट करके मछली की तरह बनाती हूँ। इसे मैं बहुत अच्छा लगता है ये। मैं फिर कभी आप लोगों के साथ में ये केला का फूल लाऊंगी ना सब्जी शेयर करूँगी, लेकिन इस बार मैं केला का फूल का सब्जी नहीं बना रही हूँ, ये मतलब इसका रिकॉर्ड बना रहे। देखा मेरा हाथ कितना गंदा हो गया था, ये पता नहीं इससे ना इसे हाथ काला बहुत हो जाता है, इतना मेहनत करो ना साफ करो कट करो हाथ भी गंदा करो। और उसको ना मैंने पानी करके रात में रख दिया था उसे फ्रिज में करके। और ये जो है ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है, ये मेरा ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं अपना घर का क्लीनिंग कर रही हूँ, सब कुछ सामान सब रात में जाते हैं ना, सब कुछ बिखरा हुआ रह जाता है, अगला दिन बच्चे बिखेर देते हैं। फिर इन्होंने हस्बैंड ने भी कुछ काम किया था लैपटॉप पे, वो भी ऐसे छोड़ दिया था, रात में सब ऐसे ही रख दी थी। फिर सुबह उठी हूँ तो अभी सब कुछ ये मैं सबको अपने अपने जगह पर सबको रख रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ, झाड़ रही हूँ, सबको साफ़ सफाई कर रही हूँ। और ये देखिए कि सबको दिख रहा होगा ना कितना सुबह हो गया, ज़्यादा सुबह लेकिन भी नहीं था, मतलब 6:30 या 7 o'clock हो रहा था, याद तो नहीं है मुझे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 5-6 दिन पहले का वीडियो है इसलिए याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन 5-6 दिन से ज़्यादा ही हो गया है इसका बनाया हुआ, लेकिन शायद 6:30 या 7 o'clock हो रहा था उस समय। लेकिन धूप कितना तेज़ निकल रही, कुछ देर बाद ही ना मौसम इतना ख़राब हो जाएगा ना कि काला हो जाता है मौसम। तो यहाँ मेरा पूरा बेड अरेंज हो गया अच्छे से, मैंने झाड़ उड़ दिया था बेड को, और उसके बाद फिर मैं डस्टिंग करूँगी सारा, जितने फर्नीचर वगैरह है सब चीज़ पे जो डस्ट बैठ जाता है ना सबका मैं डस्टिंग करूँगी। और जैसे धूल बहुत आता है और पूरा बैठ जाए, ब्लैक कलर का भी है ड्रेसिंग टेबल, तो बहुत ज़्यादा गंदा भी होता है। और फिर बारिश का मौसम है, धूल आते हैं, वो सारा मतलब मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है ना, सारा धूल चिपक जाता है, मतलब अजीब सा चिटचिट करने लग जाता है। तो फिर इसे ना झाड़ने से ये ना साफ़ नहीं होता, जैसे कपड़े से अच्छे से पोंछ देने से फिर अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ मैं वही अच्छे से पोंछ रही थी बारिश, और ये फिर खिड़की के सामने है ना ड्रेसिंग टेबल, तो कुछ ज़्यादा ही मतलब गंदे भी होते हैं, और जब बारिश आओ फिर ध्यान नहीं देती हूँ ना, तो फिर वो खिड़की से भी बारिश का जो आ जाता है थोड़ा थोड़ा, और फिर वो सारा धूल जाके चिपक जाता है। तो इसीलिए मैं इसे अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा फर्नीचर जितना भी है सब पे डस्ट बैठा हुआ था, सारा ही साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और ऐसे भी मॉर्निंग का टाइम होता है ना जिससे मैं बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, सफाई तो दिन भर में कितना बार हम कर लेते हैं, लेकिन ये मॉर्निंग के टाइम पर सफाई जो है ना ये काफ़ी अच्छी तरह से होता है। ऐसे बच्चे हैं, हम ही लोग हैं, मतलब रात दिन में हम जो कुछ काम करते हैं या बच्चे खाते पीते हैं खेलते हैं तो फैला देते हैं, तो फिर हम भी छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, और छोड़ देते हैं कि अगले दिन मॉर्निंग अच्छे से कर लेंगे। तो मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके जो जैसा सामान जहाँ का है वहाँ पर हम अच्छे से अरेंज करते हैं और ठीक से साफ़ करते हैं। और ये यहाँ पे मैंने कहा ना अभी धूल का समय, इतना ज़्यादा धूल आता है ना, इतना ज़्यादा और ऊपर से ये बारिश, वो दोनों मिलके चिपक जाता है पूरा धूल, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे से साफ़ करना पड़ रहा है आज के। मैंने देखा कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रखा था कल, मतलब रात में ना काफ़ी ज़्यादा हवा चला ना, और मैंने खिड़की खुला रख दिया था कि रूम में अच्छी ठंडी ठंडी हवा आएगी, इस कारण ना कुछ ज़्यादा ही रूम गंदा हो चुका था। तो यहाँ पर इसलिए मुझे आज कुछ ज़्यादा अच्छी तरह साफ़ करना पड़ रहा है।
और प्लीज़ आप लोग ना वीडियो को वॉच किया कीजिएगा। आप लोग पूरा वॉच ना करो ना तो कम से कम आधा भी देख लिया करो, कि आप लोग वीडियो नहीं देखते हो। और आप लोगों को पता ही है कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, आप लोग जानते ही हो। अब पता चल जाता है ना वीडियो वॉच नहीं हो रही कि व्यू कितने आते हैं, वॉच टाइम कितना आता है, इससे तो पता चल ही जाता है, अंदाज़ा लग ही जाता है कि वीडियो कितना देखा गया है। 2 मिनट का वीडियो डालती हो तो वो लोग 1 मिनट देखते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ तो दिखता है ना, सब कुछ तो पता चलते रहता है कि हाँ कितना वीडियो वॉच हुआ है, कितने देर तक लोग ने देखा है, सब तो पता चल ही जाता है। तो मैं मतलब नहीं बोलते ठीक है जैसे जैसे देखते हैं, लेकिन फिर भी ना थोड़ा तो मतलब देख लिया कि जाने इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन अब कोई आधा भी बिना देखे कमेंट बिना देखे प्लीज़ कमेंट ना करें। फिर मतलब अपना वीडियो आधा भी देख लो, समझ लो वीडियो में क्या दिखाया गया, फिर देख लें आप देखो, इसलिए तो मैं वीडियो बनाती हूँ ना। या फिर सभी लोग ऐसे ही करते हैं देखने के लिए, वो सब देखे उन्हें इसलिए वीडियो बनाते हैं, यदि थोड़ा भी लोग ना देखे तो फिर कितना बुरा लगता है कि हमने इतना मेहनत से बनाया है लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच किया कीजिए, ना पूरा तो आधा भी देख लिया कीजिए। तो ये देखिए मैंने पूरे घर में अब झाड़ू लगा ले रही हूँ, ये किचन में मैंने लगा लिया था और फिर यहाँ बरांडा में लगा रही हूँ। ये मेरा खुला बरांडा है ना तो बहुत ज़्यादा ही गंदा होता है बरांडा मेरा, और ये बक्सा के ऊपर भी ना इतना डस्ट आ जाता है ना, ये कपड़ा जो है बक्सा का जो मैंने बिछा रखा है कितने बराबर धोते रहती हूँ, ये बराबर ये गंदा होते ही रहता है। मतलब खुला बरांडा होने के कारण काफ़ी डस्ट आता है इस पर। और तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था और यहाँ पर मैं सीढ़ी वगैरह लगा के फिर पूरा बाहर तक ये पैसेज वगैरह लगाऊंगी, पूरा बाहर तक मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो मॉर्निंग की क्लीनिंग तो कुछ इसी तरीके से होती है, ज़्यादा अच्छे तरीके से, फिर तो दिन भर में होती है क्लीनिंग लेकिन इतना डीपली नहीं होता है। तो ये मैंने गेट के बाहर तक मैंने झाड़ू लगा लिया था और मैंने बच्चों को भी उठा दिया था, बच्चे भी ब्रश कर रहे थे, और फिर मैं झाड़ू लगा के आई हाथ पाँव धो के, उसके बाद में फिर यहाँ मैं चाय बना रही थी। मैंने चाय नहीं पिया था, जब तक मैं चाय नहीं पीती ना मुझे एनर्जी नहीं आती है काम करने की, लेकिन मैं मॉर्निंग में चाय नहीं बनाई थी, मैं पहले झाड़ू ही लगा ले रही थी, उसके बाद मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, चाय पी लूँगी उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी और फिर नहा के नहा धोवा लूँगी, फिर पूजा जा करके फिर मैं आप लोगों के साथ में वो रेसिपी शेयर करूँगी जो मैं बताई ना केला के फूल की रेसिपी, वो मैं आप लोग बताऊँगी कि मैंने क्या बनाया और कैसे कैसे बनाया। तो ये देखिए मेरी चाय बन गई है और मैं चाय पी लेती हूँ, ये मेरे को एनर्जी देता है काम करने का। तो ये देखिए मैंने नहाने ही जा रही थी, सारा पोछा ओछा मैंने सब कुछ लगा लिया था, उसके बाद ना आपने देखा ना वो जो बोरा रखा हुआ था वो सीमेंट का बोरा, मकान वाले जो हमारे ना उन्होंने काम लगाया छत पे, तो मतलब वहाँ पे काम चल रहा है तो काफ़ी डर, खुला बरंडा है ना बहुत डस्ट आ जाता है। अभी मैंने सारा साफ किया था, पोछा भी लगा लिया, मुझे दोबारा काम करना पड़ गया, मैंने काम ज़्यादा हो तो काम भी मतलब बढ़ते ही जाता है, मैंने एक बार किया ही था फिर दोबारा मेरा काम लग गया यहाँ पे। तो सीमेंट जो रखा ना तो खुला बरंडा होने के कारण उसका जो डस्ट होता है ना वो पूरा उड़ के पूरा बरंडा में मेरा आ गया था। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर पोछा लगा लिया था और फिर मैं नहाने चली गई थी और फिर यहाँ पर नहा के आई हूँ और मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। और मैं जब अपने वीडियो में ना अपने को पूजा करते हुए देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पूजा हो रहा है, कि आज तो मेरा डबल डबल काम लग गया, एक बार किया हुआ दोबारा काम करना पड़ गया था मुझे। और फिर पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी और मैंने यहाँ पे ना आज ना मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया था, ऐसा खास कुछ नहीं, मैंने बच्चों को ना चॉकलेट ओट्स बना के दे दिया था खाने के लिए और मैंने अपने लिए ना चावल फ्राई कर लिए थे, भात था मतलब मैं तो भात ही बोलती हूँ इसको, तो ये बच गया था। तो बचा हुआ फेंकते तो नहीं ना, अच्छी ना इसे फ्राई कर देने से फिर खाने में टेस्टी भी लगता है ना, तो इसलिए मैं इसे फ्राई कर ली, मेरा तो यही ब्रेकफास्ट हो गया था। और मैं वहाँ पे ले गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए चावल फ्राई, और उसके बाद यहाँ मैंने दाल भी चढ़ा दिया था तो दाल ये बन भी गया, मैं वहाँ पे नाश्ता भी कर लिया अपना और यहाँ मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। मैं दाल चढ़ा के चली गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, दाल पक चुका था, फिर वहाँ से आई तो मैं यहाँ पर दाल में तड़का लगाई मिर्च और प्याज का, हरी मिर्च और प्याज का। अब उसके बाद अब आते हैं उस रेसिपी तक जो मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी, तो ये केले के फूल की रेसिपी जो है मैं इस प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ बनाने का। ये मैं रात में ही बनाने में करके ना मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो इसे मैं अभी बाहर मैं पहले सुबह ही बाहर निकाल दिया था, मैंने ठंडा पानी बहुत रहता था हाथ देने में नहीं जाता ना, ये देखिए पानी कितना काला दिख रहा है ना, ये ना इसका कस है वो निकला है। उसे ना फिर मैं अब हल्का सा ज़्यादा धनिया से 5 मिनट मैं इसको बॉईल करूँगी ताकि ये थोड़ा सा नरम भी हो जाए और जो बची खुची जो कस होगी ना वो भी निकल जाएगी, वरना एक कड़वा लगेगा। तो एक तरफ वो बॉयल हो रहा था और दूसरी तरफ मैंने ना हरी मिर्च और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया था यहाँ पे, और ये 5 मिनट में ये बॉयल भी हो गया, मतलब ज़्यादा नहीं पकाना है बस हल्का सा बॉयल करना है इसे 5 मिनट में, बस ये हल्का सॉफ्ट भी हो जाए और इसका जो बची कुछ कस होगी ना वो भी निकल जाए, वरना ये हल्का सा कड़वा बनाया था इसीलिए। उसके बाद ना उसे मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, उसके फिर मैं इसे अच्छे से हाथ से दबा दबा के इसका सारा पानी जो होगा उसे मैं निकाल लूँगी और उसके बाद मैं इसे करूँगा, तो पानी नहीं रहने देना वरना फिर ये बनेगा नहीं। तो अच्छे से मैंने उसे निचोड़ के निकाल लिया था, उसके बाद फिर मैंने ना इसमें बेसन डाला है और बेसन डाल फिर इसमें हल्दी डाल रही हूँ, और उसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाला है, फिर यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, उसके बाद मैंने रोस्टेड जीरा पाउडर डाला है, और एट लास्ट मैंने ना इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला था और जो मैंने मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना के रखा था ना मैंने वो डाला, और उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला।
और नमक डालने के बाद बहुत देर से नहीं छोड़ना कि वो पानी छोड़ेगा, फिर ये बहुत गीला हो जाएगा। तो इसे बस हम मिला लेंगे। तो चम्मच से मिक्स नहीं हो रहा था इसलिए मैं चम्मच हटा के उसे अच्छे से हाथ से ही मिक्स कर लूँगी। और ये थोड़ा सा गीला गीला लग रहा था ना, तो इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन और डाल दिया था। उसके बाद जो ये जाली वाला प्लेट है इसे मैं ऑयल से ग्रीस कर ली थी, और इसको ना मैं अब इसे जल्दी जल्दी बना लेना है, इसमें नमक दिया हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, तो इसे मैं जल्दी ही बना लूँगी इसे। तो इसे देखिए हमें इस तरह से मैं कर रही हूँ ना हाथ के सहारे, ये थोड़ा थोड़ा गीला है तो इसलिए इसमें इस तरह से कर करके इसे लंबे लंबे करके इसको, और मतलब इसका उसे बना बना के लंबा लंबा, चाहो तो गोल भी बना सकते, लेकिन मैं लंबा ही बना रही हूँ। छोटा छोटा गोल गोल भी बन सकता है ये, लेकिन मैं इसे लंबा लंबा बना रही हूँ बिल्कुल रिकॉन्च के शेप में ही, ये इसका नाम ये है ही रिकॉन्च, तो फिर इसलिए मैं उसके ही शेप दी हूँ मैं इसका। तो इस तरह से मैं बना के इसमें मैं चार पीस बनाया इसका, और इसके बाद इसमें भाप भाप से इसमें पकाऊंगी मैं, जैसे मोमो या रिकॉन्च पकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो ये देखिए मैंने एक पतीला में पानी लिया, उसे गर्म किया, फिर इसे भाप में मैंने पकने छोड़ दिया। ये ना कम मैंने आधा घंटा लगा था पकने में इसको, हाफ एन आवर्स लगे थे। फिर एक तरफ ये पक रहा है, इसे मैंने मीडियम करके मैंने इसका फ्लेम को रख दिया। दूसरी तरफ ना मैं सब्जी बना रही हूँ, तो ये सब्जी में ना मैं यहाँ पे पोई साग का सब्जी बना रही हूँ, पोई साग में आलू डाल के सब्जी बना रही हूँ। तो इसको मैं रेसिपी डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ, तो मैंने इसे बता दे रही हूँ इसमें क्या डाला था। मैंने मिर्च नहीं पचफोरन और प्याज डाला था फोरन में, उसके बाद मैंने आलू डाला, आलू ब्राउन हो गया, तो मैंने मसाले डाले। और मसाले में ना मैंने लहसुन मिर्च जीरा और सरसों लिया था, इसमें ना सरसों का मसाला जाता है। और जो मैंने साग को कट करके रखा था ये पोई साग है, पोई साग कट कर रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया, और इसे पकने के लिए इसमें छोड़ देती हूँ। और वो वहाँ पक रहा है, और यहाँ पे ये भी पक के तैयार हो गया है, और इसे मैं थोड़ा कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, और अब ना मैं इसे निकाल, गर्म मैंने नहीं निकालना है वरना वो नंबर टूट जाएगा। ठंडा होने के बाद ना ये थोड़ा कड़क हो जाता है ना, तो फिर ये ईजिली बहुत आराम से निकल जाता है। आपने देखा मैंने कितना ईजिली निकाल लिया इसे, तो बस ये निकल गया है। अब मैं इसे कट करूँगी, सब्जी वगैरह सब बन गया था, मैंने गैस वगैरह सब साफ़ कर लिया है, मैंने चावल भी बना लिया है, और ये मैंने बना के रख दिया था ठंडा होने के लिए, फ्रिज में मैंने रख दिया था बाद में। और अब जब खाना खाने हम जा रहे हैं तो बस गरम गरम इसे मैं फ्राई कर ले रही हूँ कट करके। और ये ना खाने में बहुत ही टेस्ट लगे, कितना सारा रिकॉच बनता है अरबी के पत्ते के बनता पत्ता गोभी के, लेकिन इसका रिकॉच का बात ही अलग है, बहुत टेस्टी होता है। तो आप लोगों को जरा भी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो वॉच कीजिएगा। तो यही था हमारा लंच, दाल चावल पोई आलू का सब्जी और रिकॉच।